लगातार पटना के राजीव नगर में बुलडोजर अभियान के तहत हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर और अच्छी खबर उनके लिए है जिनका आशियाना राजीव नगर में टूट रहा था। फिलहाल इस पर रोक लगा दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि कोर्ट ने प्रशासन की कार्यवाही पर 2 दिनों का स्टे लगा दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित नेपाली नगर इलाके में आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर अगले 2 दिनों के लिए रोक लगा दिया गया है। साथ ही इस दौरान पकड़े गए लोगों को भी पुलिस को छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल पिछले महीने नोटिस देने के बाद 20 एकड़ पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए दर्जनों बुलडोजर के साथ पटना जिला प्रशासन की टीम और सैकड़ों पुलिस बल की टीम राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर पहुंची, जहां अपने मकान को टूटता देख स्थानीय लोग उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस घटना में पटना के सिटी SP सेंट्रल उपद्रवियों के पत्थर से घायल हो गए थे। स्थानीय लोग बीच सड़क पर पुलिस को रह कर खदेड़ रहे हैं। साथ ही एकत्रित होने पर रोक भी लगाई गई थी। बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की राजीव नगर में अर्जित भूमि से रविवार को सार्वजनिक उपयोग के लिए पटना जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर जिला प्रशासन ने करीब 40 एकड़ भूमि अपने कब्जे में ले लिया है और करीब 90 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया है। पटना जिला प्रशासन की ओर से 5 ऐसे मकान है जिसमे लोग रह रहे थे, उन्हें खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। पटना जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पटना जिला प्रशासन की ओर से दावा किया गया था कि राजीव नगर में 40 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया तथा लगभग 90 से ज्यादा को तोड़ दिया है। जी हां, जिसको लेकर अभी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल 2 दिनों का स्टे लगा दिया है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने 2 दिनों का स्टे लगा दिया है। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित नेपाली नगर इलाके में आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रही थी कार्रवाई, जी हाँ, जिसको अगले 2 दिनों के लिए रोक लगाया गया है। साथ ही इस दौरान पकड़े गए लोगों को भी पुलिस ने छोड़ने का आदेश जारी किया है। दरअसल पिछले महीने नोटिस देने के बाद 20 एकड़ पर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए यह नोटिस जारी हुआ था, जिसे अभी फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है।